ग्रामीण पोस्ट ऑफिस कर्मी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर, मांगे न मानने पर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी। भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले ग्रामीण डाक सेवक, जिनकी तादाद 3 लाख के आसपास है, ये सभी गांव में कार्य करते हैं। सबके सब सातवें वेतनमान के लाभ से वंचित हैं, जबकि इस संबंध में कल्लेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट 1 वर्ष पूर्व ही सरकार को सौंप दी गई थी। उस रिपोर्ट को तत्काल लागू करवाने को लेकर ग्रामीण डाक कर्मियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन आयुक्त को सौंप कर तत्काल कार्यवाही की मांग की। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ, हम लोग जैसे विभागी वालों को सारे लोगों को सातवां वेतन मान सकते हैं, हम लोगों के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, कमलेश चंद्र की कमेटी बनाई गई थी। उनने भी एक साल पहले 2017 में 2017 में उन्हें जनवरी 2017 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। सरकार बार बार एग्रीमेंट हमसे करती है, अभी इसके पहले भी हम लोग हड़ताल कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सिवाय उनके एग्रीमेंट के अलावा कोई काम नहीं। एग्रीमेंट भी करते हैं, उसमें भी वो नकार जाते हैं कि हमने ऐसा किया। इसलिए हम लोगों ने इस बार तय किया, संयुक्त है इस बार, पहले एक एक करके हम लोग करते थे, इसमें इस बार तीनों यूनियन हम साथ में हैं, BMF भी साथ में है, आपके NFP भी साथ में है, और अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ अपना मेन वो है। और यदि आज हमारी बात JCA का जो हम मीटिंग चले, यदि आज हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो कल हम सारे, चाहे वो विभागीय कर्मचारी हों चाहे वो ग्रामीण स्तर के हों, सारे के सारे लोग हम हड़ताल पे आ जाएंगे।